Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिकों की अध्ययन की श्रृंखला में अब तक हमने कई राजनीतिक दार्शनिकों के बारे में पढ़ा है शायद ये पहला मौका है जब हम एक ऐसी राजनीतिक दार्शनिक के बारे में चर्चा करेंगे जो महिला हैं इसी से यह पता चलता है कि पश्चिम के राजनीतिक दर्शन में किस सीमा तक पुरुषों का वर्चस्व रहा है और हम जिस राजनीतिक दार्शनिक की आज चर्चा करेंगे वो उनका नाम है मेरी वॉसन क्राफ्ट मेरी वॉस्टन क्राफ्ट काफ़ी कम उम्र में ही इस दुनिया से विदा हो गई लेकिन उन्होंने अपने समय के राजनीतिक चिंतन में अच्छा खासा दखल दिया और जो भी प्रगतिशील विचार उनके समय में चल रहे थे उससे उन्होंने अपनी भागीदारी की उन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उसे बेहतर बनाने के लिए कई सारे सुझाव दिए हम आगे यह देखेंगे कि बहुत बार ऐसा लग सकता है कि ये सुझाव जो मेरी वॉस्टन क्राफ्ट के द्वारा दिए गए वो वर्तमान समय के हिसाब से थोड़े से आ, कम प्रगतिशील है लेकिन दरअसल अगर हम उनके समय पर विचार करें हम इस बात पर विचार करें कि किस दौर में उन्होंने अपने इन विचारों को रखा तब हम इनके विचारों के प्रगतिशील होने का अंदाज़ा अच्छी तरह से लगा सकते हैं मेरी वोस्टन क्राफ्ट आ, एक ऐसी महिला थी जिनकी ज़िंदगी काफ़ी उथल पुथल से भरी रही और जिन्होंने अपने जीवन से अपने जीवन शैली से काफ़ी हद तक आ, अपने समाज में मौजूदा सोच को झंझोड़ा ऐसा लगता है जैसे वो एक बागी तेवर के साथ इस दुनिया में आई आ, महिला थी आ, और अगर हम आ, उनके पूरे आ, जीवन की चर्चा करें उनके विचारों की चर्चा करें तो यह बात साफ तौर पर सामने आती है कि अपने जीवन के या अपने छोटे जीवन में ही उन्होंने कई तरह के उतार चढ़ाव देखें और अपने विचारों में उन्होंने इन उतार चढ़ाव से भी सबक लिया और अपने समय में जो कुछ भी चीज़ें घट रही थी मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति उसके साथ वैचारिक स्तर पर वो जुड़ी आज की जो पूरी हमारी परिचर्चा है वह कुछ खास बिंदुओं से गुजरते हुए आगे बढ़ेगी सबसे पहले हम आ, मेरी वोस्टन क्राफ्ट के जीवन परिचय को देखेंगे हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कौन से मुख्य पुस्तकें लिखीं इसके बाद वो अधिकारों के दो आयाम की एक अवधारणा प्रस्तुत करती हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है हम उसकी समझ बनाएंगे प्रकृति संवेदना और तर्क बुद्धि के बारे में उनके जो विचार हैं हम उस पर बातचीत करेंगे और महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में जो एडमंड बर्क और रूसो द्वारा विचार प्रस्तुत किए गए और जिस तरीके से मेरूस्ट एन क्राफ्ट ने इसकी आलोचना की हम उस पर एक नज़र डालेंगे निजी सद्गुण और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उनके विचारों को हम समझेंगे उन्होंने पुरुषों के अधिकार और महिलाओं की आज़ादी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हम उसकी चर्चा करेंगे उन्होंने परिवार की तत्कालीन व्यवस्था की आलोचना की शिक्षा की आलोचना की शिक्षा की एक योजना प्रस्तुत की व्यक्तिगत संयम की बात की यह एक अपने आप में रोचक विचार है और इसके अलावा उन्होंने मातृत्व पितृत्व और नागरिकता के अंतर संबंधों को भी सामने रखा और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नारी के अधिकारों के संदर्भ में उनके पूरे विचार थे उससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने संपत्ति की असमानता को कम करने पर जोर दिया और इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण विचार रखें जो इस बात को दर्शाते हैं कि असल में जो उनके समय में उदारवाद था वह उससे कुछ कदम आगे बढ़ रही थी और उसकी सीमाओं को देख पा रही थी और वो चाहती थी कि यह उदारवाद उनकी सीमाओं अपनी सीमाओं से आगे बढ़े और काफ़ी हद तक वो जो थॉमस पेन का रिपब्लिकन विचार था उससे प्रभावित थी तो हम इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे सबसे शुरुआत में हमें यह समझने की या यह याद रखने की ज़रूरत है कि मेरी वोस्टन क्राफ्ट इंग्लैंड की रहने वाली थीं और उनका जन्म अप्रैल सत्रह में लंदन में हुआ था 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने हिंसक और अत्यंत बुरे आचरण वाले परिवार को छोड़ दिया एक किसी भी कम उम्र वाली लड़की के लिए यह एक बागी तेवर की ही निशानी थी और उन्होंने यह फ़ैसला लिया और भी अपने भाई बहनों का पालन पोषण करने के लिए आयरलैंड में एक स्कूल में काम करने लगीं सत्रह सतासी में उन्होंने जोसेफ जॉनसन के एनालिटिकल रिव्यू के लिए समीक्षक और अनुवादक के रूप में काम करना आरंभ कर दिया वे रेडिकल बुद्धिजीवियों कलाकारों और असहमति रखने वाले लोगों के समूह का भाग बन गए यानी कि अपने समय में जो एक रूढ़बद्ध विचार थे एक स्थापित विचार थे वो हमेशा ही उसको चुनौती देने वाले खेमे का भाग रहीं वो हमेशा ही उस समूह का भाग रहीं जो समाज में प्रचलित मान्यताओं को आलोचना की निगाह से देखता था और उसे ज़्यादा बेहतर बनाने पर जोर देता था मेरी वोस्ट क्राफ्ट की पहली पुस्तक सत्रह में प्रकाशित हुई उनकी कृतियों को व्यापक रूप से पढ़ा गया और उनकी काफ़ी तारीफ भी की गई उन्होंने सिद्धांत शिक्षा कथा इतिहास और यात्रा वृत्त जैसे कई विधाओं में लेखन किया सत्रह में विक्रांति के बाद के दौर में फ़्रांस गई सत्रह में उन्होंने एक बच्चे फैनी को जन्म दिया जिसके पिता गिलबर्ट इमले थे गिलबर्ट से धोखा मिलने के बाद इन्होंने आत्महत्या के दो प्रयास किए सत्रह में ये विलियम गॉडविन से मिली और सत्रह में उन्होंने आ, उनसे विवाह कर लिया क्योंकि विवाह पूर्व ही वे गर्भवती हो गई थी और उस समय के इंग्लैंड के समाज के लिए यह एक रेडिकल या एक काफ़ी हद तक अस्वीकार्य बात थी सितंबर सत्रह में उनकी पुत्री मेरी का का जन्म हुआ और उसके बाद उनका देहांत हो गया तो निश्चित रूप से उनकी ज़िंदगी काफ़ी लंबी नहीं रही और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 36 या 38 सालों की उनकी पूरी ज़िंदगी रही और उस 38 सालों की जिंदगी में ही उन्होंने विभिन्न विषयों पर लेखन का काम किया और उनकी जो कुछ मुख्य पुस्तकें जो प्रकाशित हुई वो इस प्रकार थी और विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन जो कि सत्रह सौ नब्बे में प्रकाशित हुई यह एक तरीके से बर्ग ने जो फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की थी यह किताब उसका जवाब थी और अविंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विथ स्ट्रक्चर्स ऑन मॉरल एंड पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स यह पुस्तक सत्रह सौ बानवे में प्रकाशित हुई एंड हिस्टोरिकल एंड मॉरल व्यू ऑफ द ऑरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द इफेक्ट इट हैज़ प्रोड्यूस्ड इन यूरोप ये सत्रह सौ चौरानवे में पुस्तक प्रकाशित हुई मारिया द रोंग्स ऑफ वुमेन यह सत्रह सौ अंठानवे में पुस्तक आई अब अगर हम उनके विचारों की चर्चा करें तो उनके दो आयामी अधिकार का जो सिद्धांत है वहाँ पर जाने से पहले हम प्रकृति संवेदना और तर्क बुद्धि यानी कि रीज़न के बारे में उनके विचारों पर एक नज़र डालते हैं आ, मेरे वस्फ्ट ने बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा कि बच्चों का पालन पोषण वो भी बहुत आरंभिक अवस्था में जब उनका जन्म होता है उस समय वो माँ का शायद एक विशेष कार्य होता है वो मानती हैं कि इसके लिए माँ की काफ़ी हद तक ज़रूरत होती है लेकिन इसके बाद कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जो कि पुरुष कर सकता है या और महिलाएं नहीं कर सकती हैं या जो महिलाएं कर सकती हैं और पुरुष नहीं कर सकते हैं तो प्रकृति ने ऐसा कोई विशिष्ट काम नहीं बनाया है सिवाय एक काम के कि जब बच्चे का जन्म होता है वो शिशु अवस्था में है तो उसका पालन पोषण उस अवस्था में उसकी ही कर सकती है आ, उन्होंने इस तर्क को नकारा कि महिलाओं में तर्क बुद्धि या विवेक का अभाव होता है या पारंपरिक रूप से जो पुरुषों का वर्चस्व चला आ रहा है वे वह सही है वे इस बात पर जोर देती हैं कि रीज़न या तर्क बुद्धि का विकास प्रयासों और शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है यह आवश्यक है कि पुरुष और महिला दोनों की ही सोच और स्थिति में बदलाव हो यानी कि वे अपने समय में जो पुरुषों और महिलाओं दोनों की स्थिति थी उससे वो असंतुष्ट थीं वो ये चाहती थीं कि जो महिलाओं की स्थिति हो बेहतर बने और जो पुरुष हैं वे भी अपने आप को सुधारें और उनकी स्थिति में भी बदलाव हो इस संदर्भ में अधिकारों के दो आयाम की जो उनकी अवधारणा है वह काफ़ी प्रसिद्ध है और एक तरीके से हम इसे राजनीतिक सिद्धांत में उनका योगदान भी मान सकते हैं वे कहती हैं कि जो पुरुषों के जो अधिकार होते हैं और कुछ हद तक वो इसमें स्त्रियों को भी जोड़ने पर जोर जोड़ देती हैं वे कहती हैं कि वो दो उसके आयाम होते हैं पहले आयाम में सुपरिचित नागरिक और राजनीतिक अधिकार सम्मिलित हैं जिन्हें मानव अधिकारों के रूप में जाना जाता है और वुलस्टन क्राफ्ट ने कहा कि इसे यह अधिकार एक तरीके से कहा जाता है कि यह सार्वभौमिक अधिकार है लेकिन मुख्य रूप से ये पुरुषों को ही प्राप्त है लेकिन महिलाओं को भी प्राप्त होना चाहिए और शायद इस दिशा में कुछ संघर्ष हो रहा है कुछ हद तक सफलता भी मिल रही है और आगे हमने देखा कि इस तरीके के जो अधिकार हैं वो काफ़ी हद तक महिलाओं को भी मिले लेकिन उसके लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा दूसरे स्तर पर उन्हों जो ये अधिकार हैं धीरे धीरे तो सम्मिलित हो गए लेकिन जो दूसरे स्तर के अधिकार हैं उसके बारे में उनका यह मानना है कि ये वो अधिकार है जिनका प्रयोग सभी पुरुषों द्वारा किया जाता है लेकिन सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता है और सामाजिक परंपराओं के द्वारा ये अधिकार निर्मित होते हैं और इनमें ये पुरुषों को यह अधिकार देते हैं कि वो महिलाओं के ऊपर शासन करें और ये महिलाओं की आज़ादी को नकारते हैं और इस ये इस तरह का जो पूरे अधिकार की जो संकल्पना थी उसमें आ, विवाह की संस्था के कारण जो पुरुषों को अधिकार मिले होते हैं परिवार के भीतर उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया और उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि ये जो अधिकारों का दूसरा आयाम है उसे खत्म करने की आवश्यकता है जो परंपरा के द्वारा समाज में रूढ़बद्ध हो चुका है और इस लिहाज से उन्होंने अपने समय के जो रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव चिंतक बर्ग थे उनके विचारों को चुनौती देने का प्रयास किया और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से बर्क और रूसो ने महिलाओं का की जो पूरी स्थिति थी उसके बारे में अपने विचार रखे और ये दोनों ही विचारक काफ़ी प्रभावशाली विचारक थे रूसो के बारे में हम जानते हैं कि उनके विचारों का फ्रांसीसी क्रांति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा जिससे खुद मेरी वोस्टर्न क्राफ्ट काफ़ी प्रभावित थीं और रूसो ने जो सामान्य इच्छा का विचार दिया या रूसो ने लोकतंत्र के बारे में समानता के बारे में जो बातें की उसका उनके दौर में तो काफ़ी प्रभाव रहा ही उनके बाद के दौर में भी काफ़ी लोगों पर उसका असर रहा लेकिन रूसो और एडमनबर्ग दोनों ने ही महिलाओं के विचारों को नकारा एडमंड बर्ग एक ऐसे सिद्धांतकार थे जिनके विचारों के कई आयाम हैं उन्होंने औपनिवेशिक देशों पर अपने देश के जो कार्यपालिका के अधिकारी थे जो नौकरशाह थे उनके गलत व्यवहारों का विरोध किया उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एकाएक क्रांति करने से कोई बदलाव नहीं होने वाला है और इसीलिए उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया तो ये भी अपने समय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतक थे लेकिन इन दोनों ने ही एक तरीके से महिलाओं को अधिकार देने के विचार को नकारा महिलाओं के विचारों के महिलाओं के अधिकारों के बारे में इनके विचार काफ़ी बने बनाए ढर्रे पर आगे बढ़ें मसलन बर्क ने जो पुरुषत्व और नारित्व के बारे में अतीत से चले आ रहे विचार थे उन्हें को स्वीकार किया उन्हें प्रभुत्वशाली विचारों को स्वीकार किया जिसमें यह माना जाता था कि पुरुषों को कुछ खास तरीके के अधिकार हैं पुरुषों को कुछ खास तरीके के काम करने की आज़ादी है महिलाओं की कुछ खास तरह की भूमिका है परिवार के भीतर और उन्हें बहुत तरह के काम करने की आज़ादी नहीं है फ्ट ने अवंडेन ऑफ़ द राइट्स ऑफ वुमेन में रूसो और बर्ग के विचारों की आलोचना की जिन्होंने आदमियों के अधिकारों के दूसरे आयाम अर्थात पति के रूप में उनके अधिकारों की तरफदारी की थी और रूसो ने यह दावा भी किया था अगर हम इनके विचारों को एक तरीके से देखें महिलाओं के संदर्भ में तो ये उन्होंने यह दावा किया था कि महिलाएं राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं क्योंकि उनमें न्याय की भावना का अभाव होता है और वे निजी स्तर पर अपने परिवार के भीतर कुछ चीज़ों को करती हैं भावनाओं के आधार पर काम करती हैं और उनके भीतर रीज़न के साथ जो विचार या मसले सामने आते हैं उनको देखने समझने की क्षमता नहीं होती है वेस्टन क्राफ्ट ने रूसो के विचारों को के खिलाफ यह दावा किया कि महिलाओं में न्याय की भावना का या रीजन की भावना का इसलिए अभाव होता है क्योंकि उन्हें हमेशा अधीनता की स्थिति में रखा जाता है महिलाओं को सभी राजनीतिक विशेषाधिकारों से दूर रखा गया है और आपराधिक मामलों के अलावा किसी भी अन्य स्थिति में विवाहित महिलाओं के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है तो वेस्टर्न क्राफ्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अगर महिलाओं को इतने सीमित स्तर पर रखा गया है और तो यह उम्मीद करना कि उनके भीतर भी पुरुषों की तरह ही तार्किक रूप से सोचने न्याय की भावना का विकास करने की क्षमता होगी वो दरअसल सही नहीं है क्योंकि उस क्षमता को कभी भी आगे बढ़ने का सही रूप में सामने आने का मौका नहीं दिया गया है और इस लिहाज से वो इस पूरे तर्क को नकार देती हैं जिसमें यह कहा जाता है कि कुछ चीज़ें चूँकि परंपरा से आ रही हैं या शायद प्राकृतिक रूप से महिलाओं के पास वो क्षमता नहीं है तो उन्हें कुछ अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए इसके विपरीत वास्टिंग क्राफ्ट कहती हैं कि प्राकृतिक स्तर पर कोई विभेद नहीं है ज़रूरत इस बात की है कि जैसा मौका पुरुषों को दिया जा रहा है वैसा ही मौका स्त्रियों को दिया जाए जैसा मौका लड़कों को दिया जा रहा है वैसा ही मौका लड़कियों को दिया जाए ताकि वे अपने भीतर उसी तरह के सद्गुणों का विकास कर पाएँ जो कि सार्वजनिक जीवन के लिए आवश्यक हैं और इस संदर्भ में उन्होंने पुरुषों के अधिकार और महिलाओं की आज़ादी के संदर्भ में भी विचार रखा वोस्टर्न क्राफ्ट ने यह तर्क दिया कि जिन समाजों में सिर्फ मालिक और दास के संदर्भ में विचार किया जाता है वहाँ हर किसी में विवेक सद्गुण और संवेदनशीलता का विकास नहीं हो सकता है ऐसा करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी पुरुषों और महिलाओं को आज़ादी उपलब्ध कराई जाए इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ सीधे तौर पर यह है कि वो अपने समय की सामाजिक व्यवस्था को प्रश्नाकित कर रही थी यह वह सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें कि पति के रूप में पुरुषों को परिवार के ऊपर शासन करने का अधिकार था महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में कोई भूमिका नहीं थी तो वो ये कहती हैं कि एक ऐसा संबंध पुरुष और महिलाओं के बीच में है जो कि मालिक और दास जैसा लगता है और यदि हम यह चाहते हैं कि सब में विवेक का विकास हो सद्गुण का विकास हो संवेदनशीलता का विकास हो तो हमें इस बने बनाए ढांचे को आ, से आगे जाने की जरूरत है और यह इस बात की ज़रूरत है कि महिलाओं को भी आज़ादी उपलब्ध कराई जाए स्वतंत्रता के बारे में उनके बहुत ही उच्च किस्म के विचार हैं और वे मानती हैं कि जो स्वतंत्रता होती है वह सभी सद्गुणों की माता जैसी है निजी या सार्वजनिक जीवन में सद्गुण का कोई लिंग नहीं होता है तो एक विचार जो बार बार हम उनके लेखन में देख सकते हैं जिसके माध्यम से वे आ, अपने समय के प्रभुत्वशाली चिंतकों को भी प्रश्नांकित करती हैं वह यह है कि कोई भी ऐसा प्रकृति के द्वारा बना बनाया गुण नहीं है जो पुरुषों या महिलाओं के पास ही होगा वो किसी के पास भी हो सकता है वो प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षा के द्वारा लगातार प्रयास से उसको सीख सकता है और जैसा कि हमने देखा कि वो बस एक गुण को महिलाओं से जुड़ा हुआ मानती हैं और वह यह है कि जब बच्चे का जन्म होता है और जब जन्म के बाद वो अपनी आरंभिक शिशु अवस्था में रहता है शिशु के रूप में उसे तब माँ की ज़रूरत होती है और वह ज़रूरत सिर्फ माता ही पूरा कर सकती है इसके अतिरिक्त वेस्ट क्राफ्ट का कहना है कि कभी भी हम प्रकृति के द्वारा गुड़ों में इस तरह का विभाजन नहीं देख सकते हैं इसलिए अगर इंग्लैंड के समाज में इस तरह का विभाजन मौजूद है तो वो सही नहीं है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें आ, हर किसी को अपने भीतर मैनली वर्च्यू का विकास करना चाहिए अब मैनली वर्च्यू के बारे में हमें बिल्कुल साफ तौर पर समझ लेना चाहिए शायद हमने पहले भी इसकी चर्चा की है कि जो भाषा के स्तर पर जब वो मैनली वर्च्यू की बात करती हैं तो दो तरह के अर्थ निकल सकते हैं एक कि अंग्रेजी भाषा में उस तरह का लेखन ऐसा होता था जहाँ पर ह्यूमन बींग के लिए मैन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था लेकिन यहाँ अगर हम वेस्टर्न क्राफ्ट को देखें तो इस दिशा में वेस्टर्न क्राफ्ट की सोच नहीं जाती है बल्कि वो सच में यह मानती हैं कि कुछ ऐसे गुण हैं जो वास्तव में पुरुषवादी गुण के रूप में सामने आते हैं पौरुष के को लेकर काफी एक तरीके से प्रशंसा की भावना रखती हैं तो वो ये कहती हैं कि जो गुण आज के दौर में मैनली वर्च्यू माने जाते हैं जो कि तर्क बुद्धि से जुड़े हैं जो कि शारीरिक श्रम करने की क्षमता से जुड़े हैं उसका विकास सिर्फ पुरुषों तक ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसका विकास महिलाओं को भी अपने भीतर करना चाहिए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में वे लिखती हैं कि मैनली वर्च्यू ऐसी प्रतिभाएं या सदगुण हैं जिनके प्रयोग से मानवीय चरित्र अच्छा बनता है और वो यह भी मानती हैं कि पुरुषों के पास तुलनात्मक रूप से यह मौका रहा है कि वे इन मैनली वर्च्यूज़ का विकास करें और काफ़ी हद तक ये जो वर्च्यूज़ या सदगुण हैं वो पुरुषों से ही जुड़े हुए माने जाने लगे हैं इसीलिए वो ये कहती हैं कि जो पौरुषवादी महिलाएं होती हैं और जिनकी निंदा की जाती है वो कहती हैं कि असल में यह निंदा सही नहीं है यह निंदा तत्कालीन समाज में की जाती रही थी हम आजकल के अपने समाज में भी देख सकते हैं कि ऐसी महिलाओं को आमतौर पर आलोचना के नज़रिए से देखा जाता है जो कि कुछ हद तक पुरुषों के जैसे जुड़े हुए काम करती हैं या जिनके आचरण में उन गुणों को आ, का समावेशन देखा जाता है जो आमतौर पर पुरुषों के लिए फिक्स माने जाते हैं कि इस तरह के काम इस तरह का आचरण इस तरह का रॉब या इस तरह का दिक एक चाल ढाल या काम करने का तरीका कुछ खास ऐसे हैं जो पुरुषों से जुड़े हुए माने जाते हैं वुल्सन क्राफ्ट यह कहती हैं कि अगर महिलाएं भी इसे अपने भीतर लाती हैं तो यह कोई गलत बात नहीं है और वो कहती हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा पौरुषवादी हो सकती हैं और हमेशा हमें इस बात में एक स्पष्टता रखने की ज़रूरत है कि पौरसवादी से मतलब पूरी तरीके से पुरुषों की नकल नहीं है पर वुल्सन क्राफ्ट यह मानती हैं कि कुछ ऐसे गुण हैं जिन्हें समाज में सम्मान से देखा जाता है और आमतौर पर पुरुषों को उसका विकास करने का मौका मिला है तो यदि महिलाएं उसका अनुसरण करती हैं वो शारीरिक श्रम करती हैं वो रिजन के साथ व्यवहार करती हैं वो सार्वजनिक जीवन में काम करती हैं वो बाहरी दुनिया को जानती समझती हैं तो ये सही चीज़ है और उन्हें भी ऐसा करना चाहिए वे हम मानती हैं कि यदि ईश्वर द्वारा मनुष्यों को दिए गए तार्किकता में बढ़ोतरी करनी है तो पुरुषों और महिलाओं दोनों की स्थिति में बदलाव करने की आवश्यकता है इसका अर्थ है कि महिलाओं को प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग करने की आज़ादी मिलनी चाहिए और पुरुषों के अधिकारों के दूसरे आयाम को समाप्त किया जाना चाहिए और प्राकृतिक अधिकारों की आज़ादी का मतलब यह है प्राकृतिक अधिकारों को उपभोग की आज़ादी का मतलब यह है कि महिलाएं भी शिक्षा हासिल कर पाएँ महिलाएं भी घर के दायरे से बाहर जा पाएँ महिलाएं भी अपने भीतर विवेक का विकास करने से जुड़े हुए जरूरी काम कर पाए वे बाहर के जीवन में हिस्सेदारी कर पाए और पुरुषों के अधिकार के दूसरे आयाम के क्षरण होने का क्या मतलब है पुरुषों के अधिकार के दूसरे आयाम के चरण होने का मतलब यह है कि परंपरा के द्वारा संस्कृति के द्वारा अतीत से चले आ रहे व्यवहारों के कारण एक पति के रूप में घर के भीतर उन्हें जो अधिकार मिले हैं अपनी पत्नी के ऊपर एक वो एक ऐसा अधिकार जिसमें मोटे तौर पर वो मालिक के रूप में होते हैं और पत्नी दास के रूप में होती है उस अधिकार को खत्म किए जाने की जरूरत है और जब ऐसा होगा तभी हम एक ऐसे आ, समाज की ओर आगे बढ़ पाएंगे जो तार्किकता पर आधारित होगा वॉस्टन क्राफ्ट ने अपने समय में मौजूद परिवार के संरचना की भी आलोचना की और इस आलोचना का मुख्य आधार जैसा कि पहले के विश्लेषण से यह बात साफ़ हो चुकी होगी कि इस आलोचना का मुख्य आधार परंपरा से परिवार के भीतर जो महिलाओं की स्थिति थी वही थी और इसमें वॉलस्टन क्राफ्ट यह मानती हैं कि जो विवाह और परिवार होता है उसमें सद्गुण के विकास आ, की जो एक प्रवृत्ति होती है उस पर रोक लगाने आ, की पूरी संभावना होती है क्यों क्योंकि आ, जो माता पिता होते हैं परिवार में वे विवेक या तर्क बुद्धि की शिक्षा देने की जगह तानाशाह की तरह व्यवहार करते हैं अपने बच्चों के साथ और वे यह उम्मीद करते हैं कि उनके बच्चे पूरी तरीके से आज्ञा पालन करें यानी कि एक संभावना यह नहीं रहती है कि बच्चे अपनी इच्छाओं को सामने रख पाएँ और उसके हिसाब से माता पिता उनकी बातों को समझें और फिर उनके लिए एक बीज का रास्ता निकालें या उनके आगे बढ़ने के लिए कोई अच्छा सा मार्गदर्शन दें आ, उसके स्थान पर होता यह है कि माता पिता आ, अपने हिसाब से एक चीज़ों को तय करते हैं और बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वो इन चीज़ों को माने और उसके अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। वुल्सन क्राफ्ट कहती हैं कि इसके कारण से बच्चों के आध्यात्मिक और नैतिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जो बच्चों को व्यवहार अपने माता पिता से मिलता है वही व्यवहार बच्चे अपने नौकरों से करते हैं आ, वो एक तानाशाही पूर्ण व्यवहार होता है और यहाँ पर तो दो आयाम पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाते हैं एक तो कि पति पत्नी के बीच का संबंध जो काफ़ी हद तक मालिक दास के संबंध के तरह होता है और फिर उनके बच्चों के साथ उनका संबंध जो कि एक तरह की तानाशाही पर आधारित होता है और फिर बच्चों का संबंध अब घर के नौकरों से वो काफ़ी हद तक आ, उसी व्यवहार का विस्तार होता है जो जैसा व्यवहार उनके माता पिता उनके साथ करते हैं तो ये सद्गुण के विकास में एक तरह की रुकावट डालता है और सद्गुण के विकास में तर्कबुद्धि के विकास में जो दूसरी एक बहुत ही बाधक तत्व के रूप में आ, उनके समाज में मौजूद थी जिसे आ, मेरी क्राफ्ट ने प्रश्नाकित किया वह चीज़ थी शिक्षा और उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि जो शिक्षक होते हैं वे भी विद्वान या तानाशाह की भूमिका में होते हैं यानी कि वो एक ऐसी भूमिका में होते हैं जहाँ पर उन्हें इस बात को स्वीकार करने में दिक्कत होती है कि जो छात्र या छात्रा है मोटे तौर पर जो छात्र ही होते थे उस समय वो उनकी उनके ज्ञान को या उनके द्वारा कही गई बातों को प्रश्नांकित करें तो इस हिसाब से जो लड़के और लड़कियों को शिक्षा दी जा रही थी उसे उन्होंने एक बहुत ही नकारात्मक नज़रिए से देखा क्योंकि उनका यह कहना था कि बच्चों को या लड़के लड़कियों को जो शिक्षा दी जाती है उसमें उन्हें ज़्यादा संवेदनशील होना और दूसरे लोगों के साथ या जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं सिखाया जाता है बल्कि उनके भीतर ऐसा ज्ञान भरा जाता है जो कि जिसके माध्यम से वो समाज में चली आ रही परंपरागत भेदभाव को मजबूती से अपनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हुए उसे दूसरे लोगों तक ले जाते हैं तो समाज में जो हायरार्की थी समाज में जो स्त्री और पुरुषों की अलग अलग स्थिति थी उन सब को बच्चे आत्मसात करते हैं और फिर वो उसी तरीके से आ, दूसरे लोगों के साथ या समाज में अन्य लोगों के साथ व्यवहार करते हैं जब कोई लड़का पति बनता है तो फिर वो उसी तरीके से व्यवहार करता है जैसा कि परंपरागत रूप से आ, समाज में पति अपनी पत्नी के साथ करता रहता है तो शिक्षा नए तरह की सोच का विकास करने के बजाय शिक्षा स्थापित मान्य मान्यताओं को प्रश्नांकित करने के बजाय उन्हें मजबूती देने का काम कर रही थी ऐसा मेरी वोस्ट क्राफ्ट मानती हैं और जो महिलाओं की को जो शिक्षा दी जाती है वो भी इसी तरीके की होती है और उसका जो मुख्य आयाम होता है वो ये कि उन्हें पुरुषों को प्रसन्न रखना चाहिए खासतौर तो पर अपने पति को प्रसन्न रखना चाहिए तो वो जो मोटी बात है कि पुरुष अपना परंपरा के पर आधारित अपनी भूमिका तक सिमटे रहें और महिलाएं परंपरा से मिली हुई अपनी भूमिका तक सिमटी रहें और ये शिक्षा इसी चीज़ को और ज़्यादा मजबूती देने का काम कर रही थी मेरूश क्राफ्ट इस बात पर बल देती हैं कि मजबूत शरीर और मजबूत दिमाग एक साथ अस्तित्व में होते हैं इसलिए लड़कियों को बहुत सारा शारीरिक काम करना चाहिए और ऐसी शिक्षा न मिलने के कारण ही उन्हें सिर्फ घरेलू काम तक सीमित कर दिया जाता है तो आ, वो आ, लड़कियों को ज़्यादा मजबूत बनाने पर जोर देती हैं और वो चाहते हैं कि लड़कियाँ घरेलू काम से बाहर निकलें और इसके लिए उनके सामने जो एक आदर्श है वो है कि वो मैनली वर्च्यूज़ का विकास करे जिसके बारे में मैंने पहले चर्चा की थी ऐसे वर्च्यूज़ ऐसे सद्गुण जो मुख्य रूप से पुरुषों से जुड़े हुए माने जाते हैं और महिलाओं तक इनकी पहुंच नहीं होती है तो महिलाएं या स्त्रियां या लड़कियां अपनी स्थिति सुधारना चाहती हैं तो उन्हें भी अपने भीतर इस तरह के वर्च्यूज का विकास करना चाहिए जिसका एक महत्वपूर्ण आयाम रीज़न है और एक दूसरा महत्वपूर्ण आयाम शारीरिक शक्ति का शारीरिक क्षमता का विकास भी है आ, वो शिंक्राफ्ट ने अपने शिक्षा की एक योजना भी प्रस्तुत की शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्रीय चिंता होनी चाहिए और उसके लिए शिक्षा के माध्यम से ऐसे शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे बच्चों में नैतिकता और नागरिक मूल्यों का विकास हो पाँच से नौ वर्ष तक की उम्र के बच्चों में अमीर और गरीब बच्चों तथा लड़कों और लड़कियों को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए यह जो प्रस्ताव है वोस्टन क्राफ्ट का वह तत्कालीन इंग्लैंड के समाज में जिस तरीके के व्यवहार था के व्यवहार थे जिस तरह का भेदभाव था अमीर और गरीब के बीच में उसके हिसाब से काफ़ी रेडिकल प्रस्ताव था और उन्होंने यह भी कहा कि इन बच्चों का पाँच से नौ वर्ष की उम्र के बीच एक तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए इन्हें एक जैसी शारीरिक शिक्षा दी जानी चाहिए और एक तरह से अनुशासनबद्ध रखा जाना चाहिए इसके बाद जब उच्चतर क्षमता और स्थिति वाले जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें उनके उन बच्चों की शिक्षा जारी रखी जानी चाहिए और इसमें लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए तो इस अवस्था में आ, एक तरीके से इस बात की छटाई की जा सकती है कि किसके पास ज़्यादा क्षमता है और लेकिन वो ये कहती हैं कि जिन बच्चों की क्षमता घरेलू काम करने लायक या व्यापार करने लायक पाई जाती है ऐसे लड़के और लड़कियों को सिर्फ सुबह सात शिक्षा दी जानी चाहिए और दोपहर में लड़के और लड़कियों को अलग अलग शिक्षा दी जानी चाहिए अब इसका जो वो कोई विशेष खास कारण नहीं बताती हैं लेकिन जो एक स्पष्ट सा कारण लगता है वो ये कि वो ये मानती हैं कि जो निम्न स्तर पर यानी घरेलू काम या व्यवसाय वाले जो क्षेत्र में जाने के लिए लड़के और लड़कियाँ चुनी जाती हैं उनके भीतर अपने काम को लेकर एक ख़ास तरीके की गंभीरता आनी जरूरी है एक ख़ास तरीके का स्पेशलाइजेशन या विशेषीकरण आना जरूरी है जिसके लिए एक समय के बाद सुबह में सात शिक्षा हो लेकिन बाद में वो अलग अलग तरह की शिक्षा भी हासिल करें आ, उन्होंने विवाह में सुधार के लिए भी बहुत सारे सुझाव दिए और उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को भी आज़ादी की पुरुषवादी चेतना अपनानी चाहिए यानी कि जिस तरीके से पुरुष आज़ादी के साथ बाहर जाते हैं शिक्षा हासिल करते हैं बाहर के होने वाली गति गतिविधियों में भागीदारी करते हैं और कई सारे प्रश्नों से अपना जुड़ाव रखते हैं कई समूहों से अपना जुड़ाव रखते हैं तो महिलाओं के भीतर भी इस तरह की चेतना का विकास होना चाहिए और उन्हें खुद को सिर्फ घर के दायरे तक सीमित नहीं रखना चाहिए महिलाओं में तब तक सदगुण की उपेक्षा नहीं की जा सकती है जब तक वे कुछ सीमा तक पुरुषों से स्वतंत्र न हों। इसलिए आ, कुछ सीमा तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दावली है उन्होंने पुरुषों से महिलाओं को स्वतंत्रता देने की वकालत की और यहाँ पर ये जो आज़ादी है उसका मुख्य मकसद उनका यही था कि इस आज़ादी के इसका उपयोग करते हुए महिलाएं शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ें और उन्होंने कहा कि मजबूत शिक्षित और स्वतंत्र महिलाओं को ऐसे पुरुषों से विवाह करने में कोई रुचि नहीं होगी जो उनका सम्मान नहीं कर सकता है यानी कि अगर महिलाओं को अपने सम्मान में बढ़ोतरी करनी है तो उन्हें खुद को मजबूत बनाना होगा उन्हें खुद को शिक्षित करना होगा और खुद को स्वतंत्र बनाना होगा अगर वो ऐसा नहीं कर पाती हैं तो वो अपनी जीविका के लिए पुरुषों पर निर्भर रहेंगी और अपनी जीविका के लिए पुरुषों पर निर्भर रहने की स्थिति में वो पुरुषों से सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकती हैं अगर उन्हें पुरुषों से सम्मान चाहिए तो वास्तव में इस बात की ज़रूरत है कि वो खुद को शिक्षित करें आर्थिक रूप से खुद को ख़ुद को स्वतंत्र करें और इसी स्थिति में वो एक आ, ऐसी स्थिति में आ सकती हैं या ऐसा आ, परिवार के भीतर उनका महत्व हो सकता है जहां पुरुष उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखें यहाँ दो बिंदुओं को मैं ख़ास तौर पर साफ करना चाहूँगा एक ये कि हमें अपने दिमाग में इस बात को पूरी तरीके से साफ कर लेना है पूरी तरीके से स्पष्ट कर लेना है कि मेरी वेस्टर्न क्राफ्ट परिवार की संस्था या विवाह की संस्था को तोड़ने की बात नहीं करती हैं वो इसमें सुधार करना चाहती हैं वो चाहती हैं कि परिवार की संस्था में पत्नी के रूप में या माँ के रूप में जो महिलाओं की भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और महिलाएँ इसे अच्छी तरीके से जारी रखें इसे गंभीरता से करें लेकिन उसके साथ ही वो ये भी चाहती हैं कि महिलाओं को ये आज़ादी हो कि वो बाहर जाएं, शिक्षा ग्रहण करें नौकरी करें बाहर की दुनिया से उनका एक तरीके से परिचय हो उनके भीतर तर्कबुद्धि का विकास हो आ, क्योंकि तर्क बुद्धि तो प्रकृति के हिसाब से सब में होती है पर वोस्ट एंड क्राफ्ट कहती हैं कि चूँकि महिलाओं को मौका नहीं मिलता है इसलिए उनके भीतर विकास नहीं होता है तो ये एक चीज़ है कि वो महिलाओं से उनकी उपेक्षा है कि स्वतंत्र जीवन जिये जी लेकिन वो ये नहीं कहती हैं कि इसके लिए उन्हें विवाह की संस्था को ठोकर मार देनी चाहिए या उन्हें परिवार को छोड़ देना चाहिए या माता के रूप में उन्हें अपनी भूमिकाओं का निर्वहन नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ें उन्हें करनी हैं पुरुषों से उनकी उपेक्षा ये है कि वे अपनी पत्नियों के साथ बेहतर बर्ताव करें और वो उन्हें एक मालिक और दास का जो संबंध होता है उस रूप में अपने बर्ताव को ना रखें बल्कि मित्रवत व्यवहार करें और पत्नी भी इस तरीके से रहे कि पति के साथ वो दोस्ताना व्यवहार कर पाए तो वो जो मौजूदा संस्थाएं थीं उनमें वो कुछ सुधार की बात करती हैं लेकिन वो उन्हें तोड़ने की या उन्हें पूरी तरीके से बिखरा देने की बात नहीं करती हैं आगे हम देखेंगे कि समकालीन नारीवाद के भीतर इस तरह के विचार को लेकर काफ़ी गहरी समस्याएं हैं लेकिन अभी हम मेरी वोस्ट क्राफ्ट के द्वारा प्रस्तुत किए गए एक अन्य विचार पर ध्यान देते हैं जो कि व्यक्तिगत संयम से जुड़ा हुआ है व्यक्तिगत संयम से यहाँ पर एक अर्थ सीधे तौर पर यह है कि वो ये चाहती हैं कि जहाँ तक सेक्सुअल संबंधों की बात है पुरुष और महिलाएं दोनों ही एक तरह के संयम का प्रदर्शन करें लेकिन वो सिर्फ इसी इसी पर वो जोड़ नहीं देती हैं सिर्फ यही इसका एक आयाम नहीं है और ये नहीं कहती हैं कि जो सेक्सुअल सदगुण हैं वो पवित्र हैं या सम्मान के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए लोगों को एक तरीके से मॉडेस्टी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए बल्कि वे ये कहती हैं कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के भीतर इस तरह की मॉडेस्टी या एक इस तरह के संयम का विकास होना चाहिए यह व्यक्तिगत गरिमा मस्तिष्क शक्ति और विवेक के निर्मित का शक्तियों का एक गुण होता है यानी कि इसके आधार पर हम अपने भीतर गरिमा और दिमागी शक्ति और एक तरीके के विवेक का निर्माण कर सकते हैं और वो ये भी कहती हैं कि यदि विवाह को मालिक और नौकर की एक संस्था के बजाय समान लोगों के बीच पारस्परिक सम्मान पर आधारित संस्था बदलना है तो इस तरह की मॉडेस्टी आवश्यक है हालांकि अपने आप में यह एक विवादास्पद तर्क है लेकिन आ, अगर हम इसको समझना चाहें तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि मुख्य तौर पर वेस्ट क्राफ्ट का जोर इस पर है कि जो पुरुष और स्त्री के बीच का संबंध होता है अगर उसमें सिर्फ़ और सिर्फ सेक्सुअल आयाम पर ही जोर दिया जाता है तो वो पारस्परिक सम्मान या जो एक गरिमा में संबंध होता है उसका क्षरण होता है इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही एक तरीके के संयम का विकास करें और इस संयम के माध्यम से वो अपने आपस में मित्रता या दोस्ती का संबंध बनाएं, वे कोशिश करें कि उनके संबंधों में दूसरे आयामों पर ज़्यादा पर भी ध्यान दिया जाए आ, कई मुद्दों पर बातचीत करना आ, और आ, समाज के मुद्दों पर बातचीत करना या कई अन्य तरह के जो आयाम हो सकते हैं जीवन के उसके तरह भी ध्यान जाए और ऐसी स्थिति होने पर ही एक सम्मान का संबंध स्थापित हो सकता है एक ऐसा संबंध स्थापित हो सकता है जो कि दास और मालिक का जो संबंध विवाह के भीतर होता है उससे आगे जा पाए और इससे आगे बढ़ते हुए यानी कि जो उनका पूरा विचार है संयम के बारे में अगर उससे आगे बढ़कर हम देखें तो वो ये भी कहती हैं कि जो मातृत्व पितृत्व और नागरिकता की जो पूरी अवधारणा है वह भी आपस में गुथी हुई है आ, उसमें भी आ, हम यह देख सकते हैं कि जो आ, मातृत्व और पितृत्व होता है वो नागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों का अभिन्न भाग होता है वह हो मानती हैं कि नागरिकता में विवाह करने और परिवार का प्रबंधन करने के साथ साथ सार्वजनिक नागरिक गतिविधियों में भागीदारी करना भी सम्मिलित होता है यानी कि सिर्फ सार्वजनिक गतिविधियों में अगर कोई भागीदारी कर रहा है तो वो नागरिक के कर्तव्य को पूरा नहीं कर पा रहा है यदि वह वास्तव में नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहता है तो उसे परिवार का सही तरीके से प्रबंधन करना चाहिए विवाह के बाद एक परिवार का अच्छे तरीके से निर्माण करना चाहिए और घर के कर्तव्य और अधिकार जो हैं वो भी नागरिकता का अभिन्न भाग हैं यदि पति और पत्नी जो है अपने कर्तव्यों का घर में पालन नहीं कर रहे हैं तो वो यह दावा नहीं कर सकते हैं कि वो एक बेहतर नागरिक हैं। अगर पति घर में आकर अपनी पत्नी के साथ दासों जैसा सलूक करता है उसे दोस्त नहीं मानता है तो वह नागरिकता के अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहा है इसी तरीके से यदि महिला माता के रूप में माँ के रूप में अपने काम को पूरा नहीं कर रही है तो वो भी नागरिकता के कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रही है वस्ट क्राफ्ट मानती हैं कि पति और पत्नी दोनों के काम नागरिकता का भाग है लेकिन वो पुरुषों और महिलाओं के काम को कुछ हद तक अलग अलग रूप में देखती हैं जहाँ पुरुष नागरिक जीवन के किसी भी विभाग में काम करेंगे वही महिलाएँ घर का काम करेंगी और अपने आस पड़ोस के लोगों की सहायता करेंगी यानी कि घर के भीतर तो उनका काम नागरिकता से जुड़ा हुआ है ही बाहर के कामों में भी जो नागरिकता होती है उसमें दोनों की भूमिका होगी लेकिन वो उन भूमिकाओं में वेस्टर्न क्राफ्ट अंतर कर देती हैं पुरुषों के लिए वो ज़्यादा विस्तृत काम देती हैं यानी कि वो हर तरह काम कर सकते हैं पर महिलाओं का काम काफ़ी हद तक सीमित हो जाता है और वो आस पड़ोस के सीमा तक ही सिमटकर रह जाते हैं और आलोचना में हम इस बिंदु को ज़्यादा विस्तार से देखेंगे लेकिन यहाँ मैं बस इस बिंदु को एक बार रेखांकित करना चाह रहा हूँ कि वेस्टन uh, क्राफ्ट के लेखन में अगर हम वर्तमान समय के हिसाब से देखें तो बार बार बहुत तरह की सीमाएं मिलती हैं और ऐसा लगता है कि उनका लेखन uh, एक तरीके से uh, पूरी तरीके से बदलाव करने या एक बहुत ही uh, जो रूढ़िबद्ध या गलत संस्था है उसका विरोध करने में असमर्थ है uh, हम आलोचना में जब जाएंगे तो इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे लेकिन वेस्टन uh, क्राफ्ट के लेखन का एक बड़ा आयाम इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि वो संपत्ति के बारे में किस तरीके से विचार करती हैं और यहाँ पर जब वो संपत्ति के बारे में विचार करती हैं तो जो एक क्लासिकल उदारवाद की धारा चली आ रही थी जिसमें संपत्ति असीमित संपत्ति के अधिकार के बात कही गई थी उसमें वो एक तरीके से अपना प्रतिरोध दर्ज कराती हैं और वो यह मानती हैं कि जो संपत्ति और खासतौर पर असीमित संपत्ति है वो कई तरह की बुराइयों का कारण है वो अपने समय की कुलीन तंत्र की आलोचना करती हैं जो कि अपने परिवार के कारण बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर लेता है उसे अपने परिवार के कारण ही बहुत सारा सम्मान मिल जाता है बहुत तरह की संपत्ति मिल जाती है और जो समाज के दूसरे तबके होते हैं किसान होते हैं कारीगर होते हैं उनके पास जमीन नहीं होती है तो मेरी वो स्टोनक्राफ्ट इस पूरी स्थिति की आलोचना करती हैं मैंने शुरू में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि वो गणतंत्रवाद से काफ़ी हद तक प्रभावित थीं और उन्होंने संपत्ति के केंद्रीकरण की, केंद्री की काफ़ी आलोचना की जब हम ये कहते हैं कि वो क्लासिकल उदारवाद से आगे जाती हैं तो हमें यह याद रखने की जरूरत है कि क्लासिकल उदारवाद सीमित राज्य की बात करता है क्लासिकल उदारवाद मनुष्यों के तार्किक होने और अपने जीवन के बारे में फैसला करने की क्षमता को स्वीकार करता है और क्लासिकल उदारवाद यह मानता है कि मनुष्यों के आर्थिक गतिविधियों में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए और वो एक सीमित राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है तो ये जो संपत्ति का अधिकार है वो क्लासिकल उदारवाद में बहुत ही ठोस रूप में सामने आता है लेकिन मेरू क्राफ्ट ने इसे प्रश्नांकित किया और इसे प्रश्नांकित करते हुए वो यह कहती हैं दो बिंदुओं पर उनके पूरे विचारों को समझने की ज़रूरत है एक जो पहला प्रमुख बिंदु है वो ये है कि वो ये मानती हैं कि जो साझा भूमि या कॉमन लैंड या सामान्य भूमि की जो पूरी अवधारणा है वो कहती हैं कि ऐसे जमीन को भूमिहीन लोगों को दे देना चाहिए यह अपने आप में एक नए तरह का विचार था आ, क्योंकि वो ये मानती हैं कि हर कोई जो समाज में है आ, उस व्यक्ति के पास अपनी जीविका को चलाने के लिए और एक ले एक स्तर तक अच्छे ज़िंदगी जीने के लिए कुछ संसाधन होने चाहिए और इन संसाधनों के संदर्भ में ही वो ये कहती हैं कि आ, अगर हमें किसानों को या फिर भूमिहीन लोगों को यानी कि जो भूमिहीन किसान थे उन्हें यह संसाधन उपलब्ध कराने हैं तो उन्हें साझा भूमि दे देनी चाहिए यानी कि साझा भूमि का कुछ हिस्सा निजी संपत्ति के रूप में दे देना चाहिए तो इससे इसका मतलब यह भी है कि वो ये चाहती हैं कि एक ऐसा समुदायवादी निर्माण हो जहाँ पर इस तरीके के अलग अलग समूह जो है, वो बिल्कुल ही वंचना की स्थिति ना गुजार रहे हों और आ, सिर्फ कुलीन तंत्र ही सारे संसाधनों का उपभोग ना कर रहा हो बल्कि ये समूह भी अपनी जीविका को अच्छे तरीके से आ, संभालने में और अपने परिवार को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने में समर्थ हों और इसीलिए वो साझा भूमि को इन किसानों में बांटने की तरफदारी करती हैं सुजन फर्गुसन ने इनके विचारों को सामाजिक रेडिकलवाद की संज्ञा दी है यानी कि फर्गुसन ये मानती हैं कि जो मेरीवोस्टन क्राफ्ट हैं उन्होंने अपने समय की यथास्थिति को बाधित करने वाले विचार प्रस्तुत किए लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि वो वो संपत्ति की संस्था को या निजी संपत्ति की संस्था को पूरी तरीके से खत्म करने की बात नहीं करती हैं वो आ, संपत्ति की आलोचना करती हैं संपत्ति के केंद्रीकरण की के आलोचना करती हैं पर उनके विचार कभी भी इस सीमा तक नहीं जाते हैं कि हम उन्हें सोशलिस्ट कह सकें या हम यह कह सकें कि आ, मार्क्स के लेखन में जिस तरीके से विचार सामने आए आ, उसके कुछ संकेत वोस्ट क्राफ्ट में मिलते हैं ऐसी स्थिति वोस्ट क्राफ्ट के लेखन में सामने नहीं आती है और वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर जोर देती हैं कि हमें आ, जो साझा भूमि है जो कॉमन लैंड है वो लोगों को दे देना चाहिए लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि वो संपत्ति के केंद्रीकरण की आलोचना भी करती हैं तो उनका विचार आ, एक तरीके से यथास्थिति की आलोचना प्रस्तुत करता है लेकिन शायद वह बहुत ज़्यादा बड़े रेडिकल बदलाव की ओर नहीं जाता है तो ये सीमा हम लोगों ने जब उनके परिवार के संस्था के बारे में विचारों को देखा तब भी इस पर बात की थी अब हम मेरूवेस्ट क्राफ्ट के विचारों के कुछ आलोचनात्मक पहलुओं को देखेंगे और उसमें हम इस बात को और ज़्यादा तफसील से समझने की कोशिश करेंगे कि असल में उनके पूरी जो उनका जो पूरा चिंतन है उसकी सीमाएं क्या क्या हैं मेरी वेस्ट क्राफ्ट के लेखन में हमें कई स्तरों पर या उनके विचारों में हमें कई स्तरों पर सीमाएं साफ़ तौर पर दिख सकती हैं दिखती हैं सबसे पहली बात और मैं कुछ बिंदुओं के आधार पर बिंदुओं के माध्यम से इन कमियों को इन सीमाओं को सामने रखूँगा और उसके बाद हम इनके विचारों के महत्व को भी समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहली बात तो यह है कि वे महिलाओं को पौरुषवादी महिला बनने के लिए प्रेरित करती हैं वर्चू का विकास करने की बात करती हैं अपने आप में यह कोई बुरी बात नहीं है लेकिन एक तरीके से आ, वो इस पहलू को स्वीकार कर लेती हैं कि महिलाएं आ, महिलाओं की मुक्ति की दिशा यही है कि वो पुरुषों की तरह बने खासतौर पर पुरुषों के कुछ खास तरह कुछ खास सदगुणों को वो अपनाएं और ऐसा करते हुए वो महिलाओं की जो अपने मूल्य माने जाते हैं नारीवाद के भीतर एक धारा यह मानती है कि यह पूरा विभाजन ही निर्मित है आ, लेकिन मुख्य रूप से आ, कुछ एक धारा यह भी मानती है कि जिन गुणों को महिलाओं के गुण माने जाते हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और उनके माध्यम से ही बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है तो ऐसे में जो पुरुषों के गुण माने जाने वाले गुणों की तरफ महिलाओं को बढ़ाने की बात जो मेरी वोस्टन क्राफ्ट के लेखन में आती है वो एक तरीके से जो नारीगत गुण होते हैं उनको कमतर मानने की जो प्रवृत्ति है वो उस पर मुहर लगाती हैं जब वो रूसों की आलोचना करती हैं तब वो साफ तौर पर कहती हैं कि हाँ यह बात सही है कि महिलाओं में रीज़न का विकास नहीं हुआ है तर्क बुद्धि का विकास नहीं हुआ है लेकिन उसका कारण यह है कि उन्हें इसका विकास करने का मौका नहीं दिया गया है तो उनका विचार कभी भी इस रीज़न या तर्क बुद्धि या विवेक की अवधारणा को प्रश्नांकित करने की तरफ नहीं बढ़ता है बल्कि वो महिलाओं को भी यह सुझाव देती हैं कि वो इस तरीके से खुद को बनाएं, वो इसी ढांचे में खुद को ढालें यह एक विकल्प हो सकता है लेकिन अपने आप में जिसे पौरुषवादी गुण पुरुषवादी गुण मैनली वर्च जिसे वो कह रही हैं वो अपने आप में समस्याओं से रहित नहीं है और इन मैनली वर्चूर्स को जिन्हें वो सद्गुण मानती हैं उसकी वो कोई आलोचना प्रस्तुत नहीं करती हैं बल्कि महिलाओं से उसका अनुसरण करने की अपेक्षा करती हैं दूसरे स्तर पर वेस्टन क्राफ्ट ने शिक्षा का बहुत ही बेहतर प्रस्ताव दिया है लेकिन उसमें काफ़ी सीमाएँ हैं ख़ासतौर पर वो एक स्तर पर बच्चों को नौ वर्ष की उम्र तक तो वर्ग या लिंग के भेदभाव के बिना शिक्षा देने की बात करती हैं लेकिन आ, उसके बाद जो शिक्षा की पूरी व्यवस्था है उस व्यवस्था में वो आ, अंतर करने की बात करती हैं और इस अंतर में आ, व्यक्ति या जो बच्चे हैं उनकी क्षमता और उस क्षमता के साथ ही साथ उनका जो फॉर्च्यून है उसको भी वो एक कारक के रूप में रखती हैं तो इससे ऐसा लगता है कि आमतौर पर जो बच्चे गरीब परिवारों के होंगे ज़्यादातर मामलों में नौ वर्ष की उम्र में यही संभावना होगी कि वही बच्चे होंगे जो आगे के अध्ययन के लिए योग्य नहीं पाए जाएंगे क्योंकि उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसी होगी कि वो उन बच्चों का आम मामलों में या आम तौर पर मुकाबला नहीं कर पाएंगे जो कि बेहतर परिवारों से आते हैं तो जो आगे चलकर जिस तरीके से नौ वर्ष के बाद की शिक्षा में वो विभाजन की बात करती हैं वो एक तरीके से आ, समाज का जो में जो वर्ग विभाजन मौजूद था उसी के अनुरूप है और उसको मजबूती देने वाला है तो कुछ हद तक शिक्षा क्यों उनकी आलोचनाएं जायज़ हैं काफ़ी प्रासंगिक हैं लेकिन शिक्षा की उन आलोचनाओं के साथ वो एक बेहतर विकल्प देने में असमर्थ रहती हैं तीसरे स्तर पर जो उनका व्यक्तिगत संयम का विचार है वो पितृसत्तात्मक संरचना से प्रभावित है और इसे मजबूती देता है आ, इसका अर्थ यह है कि यद्यप वो ये जो संयम है जो मॉडेस्टी की जो बात है आ, या फिर सेक्सुअल संबंधों की तरफ आ, इतना ज़्यादा ध्यान ना देने की बात है कि जीवन के साथ दूसरे आयाम थोड़े उपेक्षित हो जाएं। तो इन सारे मसलों में आ, वो आ, एक तरीके से पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही बात लागू करती हैं लेकिन ये जो है एक बनी बनाई जो धारणा समाज में चली आ रही है उसी को मजबूती देने का काम करती हैं यानी कि उस बनी बनाई धारणा के हिसाब से यह माना जाता है कि जब आप एक ख़ास तरीके से जीवन जीते हैं तब आपके भीतर विवेक का उदय होता है आप ज़्यादा सम्मान अर्जित कर पाते हैं आप दूसरों का सम्मान कर पाते हैं आपके भीतर कई तरह के सद्गुणों का विकास होता है तो समकालीन दौर में नारीवादी भी इस तरह के विचारों की काफ़ी तिखी आलोचना करती हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि इस तरह के विचारों को प्रस्तुत करने से आ, उन्हीं मूल्यों को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा जिन्होंने कई शताब्दियों से महिलाओं के जीवन को जगड़ कर रखा है हम वस्ट क्राफ्ट के संदर्भ में या उनकी तरफदारी करते हुए सिर्फ यह तर्क दे सकते हैं कि असल में वो यह अपेक्षा पुरुषों और महिलाओं दोनों से करती हैं लेकिन फिर भी इसमें जो सामाजिक मूल्य हैं या जो सामाजिक संरचना है जो पारंपरिक रूप से चली आ रही है और जिसमें महिलाओं की कमजोर स्थिति है उसे ही इससे और ज़्यादा मजबूती मिलती हुई दिखती है चौथे स्थान पर जो नागरिकता संबंधी उनका विचार है या उनका जो पूरा लेखन है उसमें विवाह एक अनिवार्य संस्था के रूप में सामने आती है विवाह एक विवाह को वो इस तरीके से प्रस्तुत करती हैं जैसे कि इसमें जो भूमिका है वो नागरिकता की भूमिका से जुड़ी हुई है ऐसा प्रतीत होता है कि वो ऐसी महिला या ऐसे पुरुष या समाज के किसी ऐसे तबके की कल्पना करने में ही असमर्थ हैं जो विवाह की पूरी ढांचे को ही प्रश्नाकित करता है या फिर जो विवाह की दिशा में नहीं जाना चाहता है और हम जानते हैं कि समकालीन नारीवाद के भीतर इस विवाह की पूरी संस्था को लेकर कई तरह के संदेह रहे हैं रेडिकल नारीवादियों ने यहाँ तक कहा है कि जो विवाह की पूरी संस्था है वो असल में पुरुषों के द्वारा और पुरुषों के लिए बनाई गई संस्था है जिसमें कि बुनियादी रूप से ही यह संस्था ही इस विचार पर आधारित है कि महिलाएं कमतर स्थिति में होंगी और पुरुष जो हैं वो ज़्यादा मजबूत स्थिति में रहेंगे तो यहाँ पर विवाह के संस्था को जो मेरीवस्ट क्राफ्ट काफ़ी मजबूती देती हैं वह अपने आप में एक आलोचना का बिंदु बनता है इसके अलावा जब वो नागरिकता की बात करती हैं तो वो पुरुषों को तो हर तरह के काम करने का अधिकार देती हैं लेकिन आम तौर पर महिलाओं को यह कहती हैं कि उन्हें आस पड़ोस की चीज़ों को संभालना चाहिए और उसी के हिसाब से उनकी भूमिका तय होनी चाहिए तो ये भी एक उनके विचारों की सीमितता को ही दर्शाता है मैंने शुरुआत में ही इस चीज़ को कहा था कि वो ये मान चलती हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ पर बच्चे का कुछ समय के लिए पालन पोषण करने का काम प्राकृतिक रूप से माँ के ही हाथों में होता है लेकिन समकालीन नारीवादी इसे एक तरह के इसेंशलिज़्म मानती हैं यानी कि वो ये मानती हैं कि ये एक चीज़ों को बिल्कुल रूढ़बद्ध तरीके से थोप दिया गया कि हाँ ऐसा ही हो सकता है लेकिन आ, उनका यह मानना है यानी कि समकालीन समय में बहुत सारी नारीवादियों का यह मानना है कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं या जो सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं तो ये जो एक इसेंशलिज़म का जो खतरा या हम ये कह सकते हैं कि रूढ़बद्ध विचारों को पूरी तरीके से अपना लेने का ख़तरा मेरी वोस्ट क्राफ्ट के लेखन में भी दिखता है और मेरी वोस्ट क्राफ्ट श्रम के लैंगिक विभाजन का विरोध करती हैं ये उनके लेखन से बिल्कुल साफ तौर पर सामने आता है मेरीवल्स एंड क्राफ्ट बोलती हैं कि यह जरूरी नहीं है कि महिलाएं घर का, का काम करें वो यह कहती हैं कि महिलाओं को शिक्षा हासिल करनी चाहिए महिलाओं को परिवार के बाहर जाना चाहिए महिलाओं को नौकरियां करनी चाहिए लेकिन यहाँ पर दो प्रमुख चीज़ें हैं एक तो ये है कि वो इस पूरी संरचना को नहीं नकारती हैं लैंगिक विभाजन के संरचना को तो उनकी उम्मीद यह है कि महिलाएं बाहर काम करें शिक्षा हासिल करें लेकिन वो पत्नी के रूप में माता के रूप में एक गृहिणी के रूप में भी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करें तो एक तो वो इस पूरे ढांचे को कायम रखती हैं दूसरे स्तर पर वो ये उनके उपन्यास मारिया में भी यह बात सामने आती है कि वो एक ऐसी मध्यम वर्गीय महिला की कल्पना करती हैं जो इस तरीके की स्वतंत्रता हासिल करती है यानी कि वो बाहर शिक्षा हासिल करती है नौकरी करती है लेकिन वह महिला अपने पारंपरिक भूमिकाओं का भी निर्वहन करती है लेकिन इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस महिला को अपनी इस भूमिका का निर्वहन करने के लिए किसी एक ऐसी दूसरी महिला की तलाश होती है जो कि उसे इस तरह की भूमिकाओं को निभाने में सहायता कर सके यानी कि ऐसी महिला के के घर के कामों को निपटाने के लिए एक ऐसी दूसरी महिला होगी जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी जो शिक्षा के स्तर पर उससे कमज़ोर होगी और वो उसी तरीके की अधीनता के स्तर पर जीवन गुजारते हुए परिवार या घर के काम को देखेगी तो ये जो एक पूरी संरचना मेरी वोस्टन क्राफ्ट के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है वो, वो काफ़ी विसंगतिपूर्ण है और उस विसंगति के भीतर आ, महिलाओं की या महिलाओं के हर तबके की आज़ादी की बात सामने नहीं आ पाती है और महिलाओं के जिस तबके की आज़ादी की बात सामने आती भी है वह काफी सीमित होती है वह पारंपरिक ढांचे को तोड़ती नहीं है बल्कि पारंपरिक ढांचे में थोड़ा सुधार करके उसमें महिलाओं को समाहित करने की बात करती है सातवें स्तर पर हमने देखा कि मैरी मेरी वोस्टन क्राफ्ट संपत्ति के संदर्भ में एक खास तरह का विचार प्रस्तुत करती हैं उसकी तीखी आलोचना करती हैं वो उसके केंद्रीकरण की आलोचना करती हैं लेकिन वो कहीं भी इस संस्था को समाप्त करने या एक समतावादी समाज बनाने या फिर जो कुलीन तंत्र के लोग हैं उनकी संपत्ति उनकी जो बेजा संपत्ति है उसको उनसे ले लेने और गरीबों में मार देने इस तरह के किसी रेडिकल कदम की ओर नहीं जाती हैं बल्कि मोटे तौर पर वो ये कहती हैं कि जो संपत्ति की व्यवस्था है उसमें जो बिल्कुल वंचित तबके हैं उनको जो साझा ज़मीन है उससे कुछ संसाधन दे दिए जाएं। और जो कुलीन तंत्र के पास उनकी संपत्ति है उसे उनसे लेने के लिए उसका पुनर्वितरण करने के लिए वो कोई योजना प्रस्तुत नहीं करती हैं तो मोटे तौर पर हम यह देखते हैं इन बिंदुओं के माध्यम से कि उनके विचारों में जो तत्कालीन व्यवस्था है चाहे वो परिवार की व्यवस्था हो विवाह की संस्था हो शिक्षा की व्यवस्था हो इन सब की वो आलोचना प्रस्तुत करती हैं वो ये चाहती हैं कि महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका बढ़े उन्हें मतदान का भी अधिकार मिले वो राजनीति में भी भागीदारी करें लेकिन वो पारंपरिक सीमाओं को पूरी तरीके से खारिज नहीं करती हैं कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि आ, मेरी वोस्टन क्राफ्ट एक ऐसी राजनीतिक दार्शनिक या चिंतक थी जिन्होंने अपने समय के बहुत सारे मसलों पर अपने विचार रखें और जब वो ये विचार रख रही थी तो और उस समय जो समाज की स्थिति थी तो निश्चित रूप से उनके सारे विचार क्रांतिकारी थे क्रांतिकारी इस अर्थ में कि वो यथा स्थिति को तोड़ रही थी उसे प्रश्नांकित कर रही थी खासतौर पे जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आ, ऐसा नहीं है कि मेरी वेस्ट क्राफ्ट पहली राजनीतिक दार्शनिक थी लेकिन एक ऐसी राजनीतिक दार्शनिक के रूप में उभर कर वो सामने आई जिन्होंने महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर गहराई से विवेचना की उनके बाद के दौर में ही हमने जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को देखा देखेंगे हम और जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार जो हैं आ, उन वो भी काफ़ी हद तक आ, महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में सामने आते हैं लेकिन मैरी वोस्ट क्राफ्ट का जो सबसे बड़ा महत्व है वो यही है कि वो अपने समय के सबसे प्रसिद्ध चिंतकों के विचारों को से जूझ पाएँ उनके विचारों को चुनौती दे पाएँ महिलाओं के संबंध में उनके विचारों की जो सीमाएँ थीं वो उनको उभार कर सामने ला पाएँ और इसी के माध्यम से उन्होंने यह दावेदारी प्रस्तुत की कि जो एक तरीके से सार्वभौमिक मैन अभी तक माना जाता रहा था और जिसमें जिस मैन में, में, में वुमेन का कोई हिस्सा नहीं था उसमें वो एक ऐसे इंडिविजुअल की कल्पना को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं जिसमें महिलाओं की भी भागीदारी हो निश्चित रूप से जब हम आज के परिप्रेक्ष्य से उनके विचारों को देखते हैं तो उन विचारों में हमें काफ़ी सीमाएं दिखाई देती हैं हमें ऐसा लग सकता है और सही लग सकता है कि उनके विचार एक सीमा से आगे नहीं जाते हैं वो कुछ आलोचनाएं प्रस्तुत करती हैं लेकिन कुल मिलाकर उसी संरचना को कायम रखने की बात करती हैं लेकिन अगर हम उनके समय को देखें तो निश्चित रूप से हम यह महसूस करेंगे कि उन्होंने कई ऐसे प्रश्न उठाएं जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को आने वाले समय में दूसरे चिंतकों और विचारकों को इन सवालों पर ज़्यादा रेडिकल तरीके से सोचने के लिए प्रेरित किया और जब नए तरीके के विचार उत्पन्न हुए तब निश्चित रूप से विचार थोड़े कम रेडिकल या कई मामलों में रूढ़िवादी लगने लगे लेकिन इन विचारों का अपना महत्व है इन विचारों ने काफ़ी हद तक जो नारीवादी चिंतन है उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन विचारों ने एक ऐसे समाज की स्थापना के बारे में भी रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें कि संपत्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण ना हो और उसे एक एक ऐसी चीज़ के रूप में प्रस्तुत किया जो कि बेहतर समाज के निर्माण में बाधक है हालांकि वो इससे आगे जाने का बिल्कुल सीधा रास्ता नहीं सुझा पाए मेरूस्ट एंड क्राफ्ट के बारे में मैं अपनी इस चर्चा को यहीं विराम दूंगा हम अगली चर्चा में मिलेंगे और एक नए राजनीतिक दार्शनिक के बारे में बात करेंगे नमस्कार